बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रासलैंड बायोम्स कौन से होते हैं। ठीक है, प्रीवियसली हम बाकी बायोम्स को डिस्कस कर चुके हैं। छह मेजर बायोम्स होते हैं, सिक्स मेजर बायोम्स हैं, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम में। तो हम उसमें से कौन से आज ग्रासलैंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो देखा जाए तो इसको जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जबकि जो दूसरी कैटेगरी है इसी के अंदर उसको हम कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, टेम्परेट जो है इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, टेम्परेट मीन मॉडरेट। ठीक है, टेम्परेट मीन्स मॉडरेट। ठीक है, अब आ जाते हैं जी ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में। ठीक है, इट कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल ऑन अर्थ, मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। कौन सी? हर्बीवोरस की, जो पत्ते घास और ऐसी चीजें खाते हैं। तो वो हो गया। लोकेशन इसकी नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नजदीक के जो इलाके हैं वहां उन पे ये ट्रॉपिकल ग्रास लैंड होते हैं वहां पे। ठीक है, देन आ जाता है हमारा एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, रेनी एंड ड्राई सीजन, बारिश भी होती है लेकिन यहाँ पे एक सीजन, एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पे बारिश नहीं होती, पानी खत्म हो जाता है, तो ड्राई सीजन उसको कहते हैं। फायर प्ले अ लार्ज रोल इन दिस इकोसिस्टम। ठीक है, हॉट सीजन के अंदर यहाँ पे जो है ना आग लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो आपकी ये घास है या इस तरह के कुछ ट्रीज है वो बर्न हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली एक केस हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल कोट की थी, जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में आग लग गई थी और फॉरेस्ट के बहुत सारे एनिमल्स और स्पीशीज जो थी वो बर्न हो गई। इसी तरह वहाँ पे जो आपकी ये जो घास होती है, ट्रीज होते हैं, वो भी फायर की वजह से डैमेज हो जाती है। अब यहाँ पे किस तरह के प्लांट होते हैं, ये डिफरेंट आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, इसे आप अंदाजा कर सकते हैं यहाँ पे किस तरह के दरख्त होते हैं। ठीक है, देन एनिमल्स कौन से पाए जाएंगे। एनिमल्स की कैटेगरीज यहाँ पे बहुत सारी आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे दो शो की हुई है, बैम्बूज हैं और आपकी जेब्रास हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बफलोस भी आ जाएंगी, गोट्स भी आ जाएंगे, रेनडियर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, और आपके जो है गजेल भी आ जाएंगे। इस तरह के जितने भी घास खाने वाले इस तरह के हैं आपके हर्बीवोरस, सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे थ्रेट कौन से हैं, ये कौन सी चीजें हैं, जहाँ की स्पीशीज हैं जिनको थ्रेट है फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, क्वाला हो गया। ठीक है, एक आपके एलिफेंट्स हो गए, ये जो स्पीशीज हैं इनको थ्रेट है फॉर लाइफ, क्योंकि यहाँ की इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से, एटमोसफेयर के चेंज की वजह से काफी इफेक्ट हो रही है, तो इन स्पीशीज का यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ऐसी ही सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी तो यहाँ पे ये स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब वो कहते हैं जी चेंजेस इन द फायर मैनेजमेंट। ठीक है, फायर मैनेजमेंट के अंदर जो वहाँ पे आग लग जाती है जंगलात में, उसको मैनेज करने का तरीका जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि ये जो स्पीशीज हैं ये और मजीद डैमेज या इनको मजीद नुकसान ना हो। ठीक है, ठीक है, क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से आपको मालूम होगा कि मौसम गर्म होता जा रहा है विद एवरी पासिंग ईयर, और जो हमारे ये जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। उनके मेल्ट होने से हमारा जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो ये जो आपके एरियाज हैं यहाँ पे फ्लडिंग और इस तरह का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलाके या ये एरियाज हैं ये डैमेज होते हैं। ठीक है, देन आप देखें इसकी सेकेंड कैटेगरी थी टेम्परेट ग्रास लैंड। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, ग्रासेस आर द डोमिनेंट वेजिटेशन, ग्रास जो है यहाँ पे ज्यादा होगी। मौसम कहाँ पे या कैसा होगा, यहाँ पे क्लाइमेट कैसी होगी,
हॉट समर होगा, कोल्ड विंटर होगा, ठीक है। रेनफॉल इज मॉडरेट, जैसे मैंने आपको बताया था टेम्परेट का मतलब अगर आप मॉडरेट लें तो आपको लिए समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। रेनफॉल जो है मॉडरेट होती है, ना बहुत ज्यादा कम होगी ना बहुत ज्यादा होगी। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन्फ्लुएंस द हाइट ऑफ द ग्रास। लैंड वेजिटेशन एंड विद टॉलर ग्रास इन अदर रीजन। रेनफॉल जितनी होगी उतनी यहाँ पे घास की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, तो ये रिलेट कर रही है बारिश के साथ कि जितनी बारिश ज्यादा होगी उतनी ज्यादा यहाँ पे आपकी जो घास है या उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। सॉइल इज द टेम्परेट ग्रास लैंड इज डीप एंड डार्क विथ फर्टाइल अपर लेयर, ठीक है। इट इज न्यूट्रिएंट रिच फ्रॉम द ग्रोथ एंड डिके इन मैनी ब्रांच इन ग्रास रूट, ठीक है। इन द रोटेड ग्रूट होल्ड द सॉइल टूगेदर, ठीक है। द सॉइल इज फर्टाइल बिकॉज ऑफ द रिमेन ऑफ द प्लांट एनिमल एंड ड्राइड लीव ऑफ प्लांट फल ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे जो आपके लैंड है वो फर्टाइल है बिकॉज यहाँ पे डीकम्पोजिशन का प्रोसेस तेज होता है, न्यूट्रेंट्स इजीली प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी रूट्स हैं ये काफ़ी फर्टाइल होती हैं, काफ़ी डीप ग्रो करती हैं, ठीक हो गया। देन हम देखते हैं यहाँ पे ग्रास किस तरह की होगी, सही है। ये इस तरह के आप देख रहे हैं कि झाड़ होगी, छोटी सी घास होगी, अक्सर छोटे छोटे सी ब्रांचेस पे फूल निकले होते हैं इस तरह से, लेकिन इनकी हाइट कम होती है जैसे नॉर्मली घास की होती है, तो इस तरह की चीजें होंगी। एनिमल्स जहाँ पे हैं आपके टेम्परेट ग्रास में आपका लाइन भी होगा, आपका जिराफ भी है और आपका टाइगर लेपर्ड, इस तरह की जितने भी हैं स्पीशीज वो इन तरह के इलाकों में सरवाइव करती है, ठीक है। देन आ जाता है आपका डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। मच ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन लिव इन द बायोम, तो यहाँ इस तरह के जो आपके टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हैं यहाँ पे एनिमल्स बर्ड्स की स्पीशीज के अलावा ह्यूमन बींग भी सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी लोग जो हैं वो इन फॉरेस्ट में जिंदगी गुजार रहे हैं। देन आ जाते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में एबायोटिक फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय एन अबंडेंस ऑफ डिसीडियस लीफ बियरिंग ट्री। डिसीडियस का मतलब होता है लीफ बियरिंग, मतलब वो दरख्त जिनके पत्ते होते हैं, ठीक है। ये हो गया। कैरेक्टराइज बाय फोर सीजन, जहाँ पे चारों सीजन होते हैं, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, ठीक है। ये चारों सीजन जो है इस फॉरेस्ट में इस एरियाज में पाए जाते हैं। सॉइल जो है डीप सॉइल लेयर होगी, रिच इन न्यूट्रेंट होगा, फर्टाइल लैंड होगी, ठीक है। ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की ग्रास की वो इजीली फुलफिल हो सकती है। रिसेप्शन जो है 30 to 100 inches पर ईयर इन ऑल फॉर्म स्नो रेन, ठीक है। और ये जो आपकी है ये सारी कैटेगरीज इसके अंदर आ रही है, स्नो के अंदर, रेन, आपके जो हेल होले हैं, फॉग है, तो उसमें सबके अंदर पानी की जो मौजूदगी की है वो कितना है 30 to 100 inch पर ईयर। फिर है जी टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें वो देखें जी मोर डाइवर्सिटी इन द डिसीडियस फॉरेस्ट वर्सेस द कन्फ्यूशियस फॉरेस्ट ड्यू टू इंक्रीज सनलाइट, ठीक है। इंक्रीज सनलाइट की वजह से डिसीडियस फॉरेस्ट में आपकी बहुत ज्यादा क्या है डाइवर्सिटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है। ट्री अडेप्ट टू वेरिड क्लाइमेट बाय बिकमिंग अ डोरमेंट इन विंटर, ठीक है। विंटर में सर्दियों में सर्वाइव करने के लिए क्या हो जाता है, ये डोरमेंट हो जाते हैं। जैसे हमने हाइबरनेशन का एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि एनिमल जो है वो विंटर में सर्वाइव कैसे करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो यहाँ पे आपके क्लाइमेटिकल चेंज विंटर में सर्वाइव करने के लिए ट्रीज और प्लांट क्या करते हैं डोरमेंट हो जाते हैं, ठीक है। डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रो इन लेयर्स, मोर सनलाइट रीचेज द ग्राउंड कम्पेयर टू द रेन फॉरेस्ट, सो यू विल फाइंड मोर ग्राउंड डिवेलिंग प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सनलाइट जो है वो जमीन तक पहुंच जाती है, उसकी वजह से क्या है जमीन के ऊपर भी जो आपकी है वो झाड़ पौधे हर्ब्स ग्रो करते हैं ड्यू टू सनलाइट जो कि जमीन पे पहुंच जाती है, ठीक है।
देन है जी यहाँ पे एनिमल अडाप्टेशन किसना है जी, यहाँ पे आपके बॉल्ड ईगल होगा, आपके यहाँ पे फायर डॉल माउस होगा, ठीक है इस तरह के होंगे एनिमल अडाप्टेशन। लूज विंटर कोट, फर होगी हल्की सीन पे विंटर में सर्वाइव करने के लिए, अडाप्ट टू मैनी सीजन, बहुत चार फोर सीजन के अंदर, चारों सीजन के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं। ईट फ्रॉम डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है फॉरेस्ट के डिफरेंट लेयर्स में से वो अपना फूड सर्च कर सकते हैं, अपने आप को फीड कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेट टू द टेम्परेड डिसीडीज फॉरेस्ट, थ्रेट किया जी इन फॉरेस्ट को, मनी फॉरेस्ट आर क्लियर टू बी प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर होम ह्यूमंस, केयरफुल यूज ऑफ द रिसोर्स कैन प्रोवाइड अ रिन्यूएबल सिस्टम इफ वी डोंट टेक टू मच हैबिटेंट अवे, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे जंगलात हैं, दरख्त हैं, तो कटिंग ऑफ द ट्री की वजह से यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये किया जा सकता है, इस तरह से अपनी कटिंग ऑफ द ट्रीज को मैनेज किया जाए, हाउसिंग को इस तरह से मैनेज किया जाए कि आपके फॉरेस्ट जो वो नेगेटिवली इफेक्ट ना हो, ठीक है। फिर आ जाए जी कंक्लूजन में, हमने जी तमाम देख लिए बायोम्स, 6A6 बायोम्स देख लिए, उनकी फर्दर कैटेगरीज देख ली हैं, और हमने ये देख लिया कि उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हर बायोम्स के कौन कौन से हैं, किस तरह से वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स कौन से वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, प्लांट्स की कौन सी स्पीशीज पाई जा रही हैं, वहाँ पे मौसम कैसा होता है, टेम्परेचर अरेंज क्या होती है, ठीक है। और हर बायोम्स को इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो यही आ जाती है कि एंड में तमाम बायोम्स को किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई थ्रेट है, चाहे इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से है, चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, ठीक है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ऑल टाइप्स ऑफ बायोम्स एज ईच होस्ट मैनी यूनिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ईच बायोम्स जो है, हर एक बायोम्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, और वो हर तरह से हर बायोम अपने अपने तरीके से लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज इज दैट वी शुड प्रिजर्व द बायोम्स इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है, ताकि ये जो हमारा एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ हुआ है ये डैमेज ना हो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी इससे अगली वीडियो में मैं आपको एक जनरल लाइट सा ओवरव्यू दूंगा तमाम बायोम्स के बारे में, ठीक है, विद एग्जांपल्स, ताकि आपको एक जनरली आइडिया और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि बायोम्स कौन से हैं, उनके फैक्टर्स कौन से हैं, और वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, या उनको किस तरह से किसी इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से थ्रेट हो रहा है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हैं, और मुझे जो है आप हाईलाइट कर दें कमेंट में, ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो क्वेरी है कि वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।